हमारे साथ अवेलेबल है, लेग स्पिनर हमारे आज 3 आउट किए, उन्होंने यासिर से पूछेंगे। यासिर सम अप करें डे को कैसा रहा आज दिन पाकिस्तान के लिए, फिर हम क्वेश्चन सेशन की तरफ जाएंगे। डे अच्छा रहा, जिस तरह हमने स्टार्ट किया बैटिंग में, हमारे बॉलर्स ने जिस तरह बैटिंग किया, फाइट किया, तो डे शुरू में अच्छा रहा। 1 घंटा हमारे बॉलर्स खेले और हमारे बॉलर्स ने भी अच्छे पार्टनरशिप लगाए। जिस तरह पार्टनरशिप हमारे बैटिंग में लगी, इस तरह हमारे बॉलर्स ने भी लगाए। उसके बाद जब हमारी बॉलिंग आई तो ऐसा लग रहा था कि विकेट थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि विकेट स्लो था और टाइम मिल रहा था बॉल पे। तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह फाइट बैक करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि वो भी अच्छी टीम है और यहाँ पे आई हुई है, तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है। तो अल्लाह का शुक्र आखिर में विकेट मिली और अच्छा रहे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। खालिद खान, माजिद भट्टी, रशीद शकूर एंड एहसान खान। यासिर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। 3 दिन पहले जब हम आपके सामने बैठे हुए थे तो आप थोड़े से नर्वस नजर आ रहे थे। आज आपके चेहरे पे वो मुस्कान दोबारा से आ गई है, माशाल्लाह मुस्कुरा भी रहे। ये बताइए कि ये पिच का जो बिहेवियर है, ये एकदम से आखिरी सेशन में आपको दिख रहे 3 आउट किए एक के पीछे, तो विकेट में क्या स्पिन इतना है जितना पहले दिन नजर आ रहा था, या अब ज्यादा नजर आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है कि 3 आउट किया और कोशिश यही कर रहा था कि अपने एक जगह पे बॉलिंग करो, जिस तरह हमारे बॉलर्स ने बॉल किए, एक जगह पे बॉल किए। और क्योंकि हम हमारा यही प्लान यही था कि हम एक जगह पे कंटेन बॉलिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा था, 2 दिन और रहते हैं अभी टेस्ट मैच के। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितने हम उसको स्क्वीज करेंगे, जितना हम अपना अपनी अच्छी बॉलिंग अच्छी जगह पे बॉल करेंगे, तो कोई ना कोई चांसेस ऐसे आएंगे जब विकेट मिलेंगे। तो उसमें हम कामयाब रहे, हमने थोड़ा सा स्क्वीज किया उन लोगों को और हमने ज्यादा रन नहीं दिए, जिसकी वजह से एट द एंड अगर आप देखें तो 27 रन पे उनके, मतलब उनके लिए 27 रन है और उनके 4 आउट है, मेन बैट्समैन आउट है। तो हमारे वही प्लान कामयाब रहा। जी माजिद भाई, सर, मेरा सवाल ये है, आपने काफी बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में भी करवाई, सेकंड इनिंग्स में करवाई, तो पाकिस्तान ने यहाँ चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना टोटल होना चाहिए जो हमारे बैट्समैन फिर चौथी इनिंग्स में डिफेंड कर सकेंगे, क्योंकि नेशनल स्टेडियम पे आपने ट्रॉफी के भी काफी मैचेस खेले हुए हैं। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह सिर्फ आके कम से कम स्कोर पे उनको आउट करें, क्योंकि विकेट ऐसा है कि आप कुछ उस पर ब्रेक हो रहा है अभी, अगर आप देखें तो उसमें एक अच्छा खासा बॉल हो रहा था, थोड़ा सा स्लो हो रहा था ब्रेक, लेकिन फिर भी बीच से भी हो रहा था और बाउंस और ब्रेक दोनों मिल रहे थे। तो ये है कि यहाँ पे हम जितनी जल्दी उनको आउट करेंगे, जितने कम स्कोर पे आउट करेंगे, उतनी हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि चौथे दिन अगर आप देखें यहाँ की मौसम भी ऐसा है कि विकेट आपको पता है स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी जल्द जल्द सुबह आके कम स्कोर पे उनको आउट करें इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम यासिर। यासिर, जिस तरह हम कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स की एक जोड़ी होती है, मतलब उनकी पार्टनरशिप होती है, दोनों एंड से प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो आप अपने करियर में मतलब मुख्तलिफ आपके साथ जो है वो स्पिनर आए हैं दूसरे एंड से, जुल्फकार बाबर, और तो ये जो मतलब सिर्फ जुल्फकार बाबर ऐसे थे जो काफी अरसे आपके साथ खेले, उन्होंने भी विकेटें ली दूसरे एंड से, आप भी ले रहे थे, तो ये जो स्पिनर्स की जो तब्दीली है, नए स्पिनर्स दूसरे एंड से आपके साथ आते रहते हैं, ये कितनी मतलब इफेक्ट करती है आपकी कारकर्दगी को, या किस तरह आप मतलब देखते हैं ये जो चेंजेस होती रहती हैं, नए बॉलर आते रहते हैं उनके साथ आप खेल रहे हैं, तो इन चेंजेस को आप किस तरह देखते हो? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखें अच्छा स्पिनर्स आपके साथ हो और साथ में अगर मैं 1-2 आउट करता हूँ वो 2 आउट करते हैं, तो हमारा यही था कि हमारा इनका कम्बिनेशन बना था मेरा जुल्फिकार बाबर का, कि साथ में 2-3 वो आउट करता, 3-4 आउट करता था, तो टीम खत्म हो जाती थी। तो ये कि अभी जिस तरह नुमान बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छे करके आ रहे हैं वहां से, और उसका मैच होता है कि डेब्यू मैच से बंदा नर्वस होता है, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की और ही डूइंग वेल इंशाल्लाह, और ये अच्छी जोड़ी इंशाल्लाह। जिस तरह साजिद है, साजिद भी अगर बाहर बैठा हो तो ही इज अ गुड ऑफ स्पिनर, ही हैव गुड वेरिएशन, सो ये अच्छी बात है कि हमारे स्पिनर्स आ रहे हैं डोमेस्टिक से, वो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। यासिर, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। यासिर भाई, साल हो गया है पाकिस्तान टीम को जो है वो सीरीज जीते हुए, इंग्लैंड से भी हमने जो है वो सीरीज हारे, उसके बाद न्यूजीलैंड में भी सूरत हाल रही, तो क्या समझते हैं पहला टेस्ट मैच और इसमें फतह जो है वो कितनी अच्छी और बेहतर हो सकती है पाकिस्तान टीम के लिए, कि वो अगले मैच के लिए अच्छे विनिंग मोमेंटम पे जाए?
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि सुबह आके इंशाल्लाह जल्द से जल्द आउट करें। और अब ये अच्छी बात है अगर अगर हम ये टेस्ट मैच जीते हैं, और काफी अरसे हमने टेस्ट सीरीज नहीं जीती, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी एफर्ट्स कर सके करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज जीतेंगे। जी अली फैजान। यासिर सिर्फ आपको बॉलिंग का प्लान ही मिला हुआ था, लेकिन जिस तरह से आपने देखा आज बैटिंग भी कर रहे थे, कुछ माइंड सेट था कि जो यूनुस खान ने प्रिपरेशंस कराई थी टेल एंडर्स की, उसी की तरह से अच्छा खेल पेश करना है? ये क्या थोड़ा सा होता है क्योंकि 11वें नंबर पे मैं गया हूँ, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जितना लंबा खेल सकूँ उनके साथ। नुमान नुमान पहले गया हुआ था और वो अच्छा खेल रहा था, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने रन भी करूँ, टीम के लिए रन भी करूँ और आखिर तक खेलूँ। तो ये कि प्लान यही था। यूनुस भाई भी समझाते रहते हैं कि आपने सबसे अच्छे जो आपके टारगेट होते हैं, मतलब अगर आपने सेंचुरी की है तो अपने जो बेस्ट है उसको आप क्रॉस करो बैटिंग में हो या बॉलिंग में, तो ये अपने आप के साथ अपना वो डालो। तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि बस मैं अपनी कंसंट्रेट करता बैटिंग में भी सो, क्योंकि सुबह आया हूँ मैंने नॉकिंग की है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले अगले पिछले दिन मैंने नेट्स में अच्छी खासी बैटिंग की। और यूनुस भाई बताते रहते हैं सारे जो जो नीचे के प्लेयर्स हैं, क्योंकि नीचे के प्लेयर्स की जो रन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीम के लिए। यासिर, थोड़ी सी एक ये कहने के प्रेशर वाली सूरत आप पर इनफरादी तौर पर जरूर थी, कारकर्दगी पर लोग बात कर रहे थे, आप थोड़ा सा अब बेहतर यकीन तौर पर फील कर रहे होंगे जिस तरह इस मैच में कारकर्दगी हुई, वो फील महसूस हो रहा है कि जो यासिर का एक टच था जो मिस हो गया था वो वापस आता जा रहा है? ये कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे रिदम है वो वापस लेके आ रहा हूँ। और अगर आप देखें तो इंग्लैंड में मैंने टॉप किया है, वहां पे मैंने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, और न्यूजीलैंड में अगर मैं एक मैच खेलूँ तो उसमें एक इनिंग में 3 आउट किए हैं। तो परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन उस तरह बड़ी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी कि जिस तरह मैं 10-10 या 5-5 आउट करता था। तो मैं कोशिश यही थी, मेरा प्लान यही था कि इस सीरीज के लिए मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर करूं, और अपने जो फिटनेस में मैं बहुत ज्यादा वर्क किया, मैंने 3 से 4 kg वजन कम किया, क्योंकि और इसमें मुझे यूनुस भाई ने बड़ा मोटिवेट किया है, क्योंकि यूनुस भाई के साथ मेरा ऐसे बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे, उसने मुझे एक टारगेट दिया हुआ था कि आपने अपना वेट यहाँ से यहाँ लेके आना है। ये क्या मैंने उनके साथ जो कमिटमेंट किया वो मैंने पूरी की है, और अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा मेरी बॉलिंग में भी और अंदर फील्डिंग में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जी उमर, देन मुजम्मिल एंड देन असगर प्लीज। In English. असगर एंड मुजम्मिल प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। हेलो सलामकुम सलाम। यासिर, विकेट क्या कहती है? कल भी पहले दिन भी जो है आखिरी सेशन में हमने देखा कि 3 विकेट निकली, आज भी हमने देखा कि आखिरी सेशन में यही सूरत हाल रही। आपने विकेट को बहुत क्लोजली देखा है, बॉलिंग आप कर रहे हैं, 6 विकेट आप ले चुके हैं। कल का जो मैच है, अब 2 दिन बाकी है, मैच 50-50 है दोनों टीमों के लिए, तो विकेट के रवैया कैसा है, क्या समझ रहे हैं कि क्या मैच सस्ता कौन होगा और पाकिस्तान के लिए कितना इससे पॉजिटिव है? ये कि विकेट अच्छा है, अगर आप देखें तो बीच से किसी इतना ज्यादा ब्रेक शेक नहीं हुआ, या वो अगर हुआ है तो पैचेस से ब्रेक हुआ है, और यहाँ के कराची की पैचेस भी हैं कि यहाँ से या तो सीधा रह जाते हैं या ब्रेक जो होते हैं बहुत स्लो होता है। तो ये कि विकेट टाइम दे रहा है, बैटिंग में टाइम दे रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी इंशाल्लाह सुबह आके जितने कम रन भी उनको आउट करेंगे उसमें हमारे बैटिंग के लिए आसानी होगी, तो कोशिश यही है इंशाल्लाह। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि टीम टीम मैनेजमेंट ने बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया आपके अंदर, और अब होम ग्राउंड में आपने आकर 3 विकेट ले लिया के बहुत करीब है, तो इस कॉन्फिडेंस को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरा, ये शेन वॉन से आपका काफी इंटरेक्शन रहा है, तो अभी भी क्या बातचीत है, आपकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा अब जो है चेंज नजर आया है? ये मेरी बात होती रहती है, मैं अपने बॉलिंग के बारे में मुशी भाई से भी बात करता हूँ और शेन वॉन से भी ट्वीट पे उस पे मैसेजेस पे बात करता हूँ, और जिस तरह सकीब भाई ने बताया मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया यहाँ पे आके और यहाँ हमारे साथ रहे 5 दिन, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। वो मुझे बताते रहे कि आपने ये किया, आपके ये बोलेंगे, आपके ये एक्शन है, आपका ये है, तो आपने इसको सिंपल रखना है। तो ये कि उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है, और मैं मुशी भाई से रबते में होता हूँ, मुझे बताते रहते हैं मेरे बॉलिंग के बारे में, जब भी मेरी बॉलिंग ऐसी होती है तो उसके बाद हम जाके मैं उनसे बात भी करता रहता हूँ, तो ये सारी चीजें मैं अपनी उनके साथ रखता हूँ अपने रिलेशनशिप। जी जाहिद, देन वी विल टेक इंग्लिश क्वेश्चन। जाहिद प्लीज।
यासिर, कल का मैच पहला सेशन बड़ा अहमियत का हामिल होगा पाकिस्तान के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी। अब उनके एक रिकग्नाइज बैट्समैन रह गए हैं कप्तान, तो उनके खिलाफ अब क्या प्लानिंग होगी आपकी? और ये बता दें कि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में विकेट का बिहेवियर क्या रहा और कितनी चेंजेस आई, और आप क्या आपको ज्यादा सूटेबल है दूसरी इनिंग जो और पहली इनिंग के मुकाबले में, जरा ये बता दें। ये क्या पहले इनिंग्स के नस्बत अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी बाउंस हो रहा था और क्योंकि शुरू में विकेट स्लो था तो ऐसा ऐसा विकेट थोड़ा सा तेज होता जा रहा है और उसमें बाउंस भी मिल रहा है और ब्रेक भी हो रहा है। तो कोशिश हमारी यही है कि हमारा प्लान यही है कि एक सिंपल एक जगह पे बॉल करें, चाहे वो कप्तान हो या दूसरा प्लेयर हो, क्योंकि आप किसी भी प्लेयर को इजी नहीं ले सकते क्योंकि उनके अभी दो बैट्समैन जो ऐसे पक्के बैट्समैन जो प्रॉपर बैट्समैन है वो भी रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी जगह पे बॉल करके और कम से कम स्कोर पे इंशाल्लाह उसको आउट करें। ओके जी, वी विल टेक टू इंग्लिश क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज विद फिरदौस। हाय, यस, यू वेल बोल्ड। I just was wondering whether you've seen any improvements in Aidan Markram from when last you've played him, and how you think he navigated the conditions today. Yeah, he played well against spinners because last time I was just playing against him, there's not a spin wicket in South Africa. So that's wicket for just supporting fast bowler. But today I just watched Markram, he's played very well against spinners. So I appreciate him, Markram. Hi, I'll take the second question. Good afternoon. Good afternoon, Yasir. The wickets that you guys took at the end of the day, do you feel that they've put the team Pakistan on the front foot? Yeah, because we dominate the match in this time because our bowling doing well.